मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। हमारे दीन का तकाजा है कि बहर सूरत इल्म हासिल किया जाए जिसमें मर्द और जन की कोई तफरीक नहीं। तालीम क्या है और इसकी अहमियत क्या है, ये कोई उनसे पूछे जो जिंदगी में तालीम हासिल करने से महरूम रह गए हैं। लोग माशी हालात से मजबूर होकर अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर कम उम्री में ही जिम्मेदारियों का बोझ डाल देते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे बच्चे न सिर्फ तालीम से महरूम बल्कि तरक्की की दौड़ में भी बहुत पीछे रह जाते हैं और बहुत सी माशरती बुराइयों का भी शिकार हो जाते हैं। हमारे सूबे में 5 से 16 साल तक के 2.5 मिलियन बच्चे तालीमी निज़ाम से बाहर हैं। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा फरमान भी है जो घरेलू जिम्मेदारियों में इतना मसरूफ रहा कि इसकी तालीम हासिल करने की उम्र गुजर गई। बिल्कुल ऐसे ही दो बच्चे मोहम्मद उमर और मुराद अली भी हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, लेकिन उनके दिल में तालीम हासिल करने की लगन और जज्बा वैसे ही महफूज रहा। मोहम्मद उमर जो सुबह के वक्त मास्क बेचता है और मुराद अली जो अपने बाप का माशी बोझ कम करने के लिए कोट बेचता है। न सिर्फ लड़के बल्कि बहुत सी लड़कियां भी घरेलू पाबंदियों की वजह से तालीम हासिल करने से महरूम रह जाती हैं। ऐसे ही आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत ने यूनिसेफ के साथ मिलकर अज़्म किया कि अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा और एक मिसाली मंसूबे का आगाज किया जिसमें अब वो बच्चे भी तालीम का हुसूल यकीनी बना सकेंगे जो अपनी बढ़ती उम्र की वजह से आमतौर पर मुजवजा तरीके से स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते। क्लास 5 पास किया था, स्कूल नज़दीक ना होने की वजह से मैं तालीम से महरूम थी। फिर AAP सेंटर खुल गया और इसमें मैंने क्लास 6 में दाखिला ले लिया और मैं इस स्कूल में बहुत खुश हूँ और इस स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। अल्टरनेट लर्निंग पाथवेज अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा है जिसमें वो बच्चे बच्चियां भी जो किसी भी वजह से तालीम हासिल करने से महरूम रहे इन्हें इल्म से रोशनास होने का एक और मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट इस मंसूबे में एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की निगरानी में फराइज सर अंजाम दे रहा है। AAP में सरकारी स्कूलों की इमारत में ही ज्यादातर सेंटर कायम किए गए हैं जहां जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वाले नाख्वांदा बच्चे और बच्चियों को ख्वांदा बनाने के लिए तरबियत याफ्ता असातज़े कराम बुनियादी तालीम फराहम कर रहे हैं। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक हिस्सा है और ये प्रोजेक्ट 2017 में गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक तमाम बच्चों की एक सर्वे कर एक सेंसस कंडक्ट करवाई जिसमें पता चला कि कोई 21 लाख बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं और वो बच्चे हैं जो कि या तो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, अक्सरियत उनमें से उम्र चुकी थी जिनकी जो या तो ड्रॉप आउट हो चुके हैं और या उनकी उम्र जो है वो स्कूल जाने की का जो उम्र है उससे वो गुजर चुके हैं और उम्र उसकी ज़्यादा हो गई है, वो रेज हो चुके हैं। सुबह भर में इस वक्त 377 सेंटर कायम हो चुके हैं जिनमें 27 सेंटर सिर्फ पेशावर में। हमारी टीम में ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर्स और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट एसोसिएट्स भी हैं जो कि फुल डिवोशन के साथ इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रह सके। 30 बच्चों के लिए एक फैसिलिटेटर होता है और एक फैसिलिटेटर की प्राइमरी और एलिमेंट्री सतह पर ट्रेनिंग भी होती है। इस सिस्टम की मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग के लिए हर जिले की सतह पर एक ट्रेनिंग और मेंटोरिंग ऑफिसर हम वक्त इनकी रहनुमाई करती रहती है जो बेहतर अंदाज में तालीम फराहम करने में मददगार फार्मूला साबित हो रहा है। Back in 2019, when I joined UNICEF Khyber Pakhtunkhwa and was tasked with establishing the AAP centers, the need emerged for a proper service delivery mechanism for the ALPs.
So I started my advocacy with the Department of Education. And we even went to Sindh to study the model being implemented there. And eventually, after an advocacy of 6 months, this project implementation unit was conceptualized, which is a complete, if you look at that concept note, it is a complete service delivery mechanism for the ALPs, starting with the roles and responsibilities of all those office bearers who are supposed to work in the DIU, then the standards for learners, for learning environment, for ALP facilitators, the professional development of the facilitators, their selection criteria, and most importantly, the certification and assessment mechanism. And it also talks about the equivalency and the accreditation, which makes it a perfect पेशावर समेत 10 ऐसे और अजला भी हैं जहां इस मंसूबे के तहत काम जारी है। इन सेंटर्स की वजह से न सिर्फ वो बच्चे अब तालीम हासिल कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकते हैं। यही वजह है कि हर दिन एक कामयाब दिन की तरह उभरता है और हर शाम मेहनत के समर अफरोज सिले की तरह आती है। हमारा अज़्म है कि कौम के इन मेमारों को तालीम की रोशनी देकर रहेंगे ताकि ये आगे चलकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बना सके। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ए ज़वाल न हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।